हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास क्लास टेंथ का मैथ का है। आज हम लोग जो इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। प्रश्न नंबर 3.2 को आइए, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 का अनुपात ज्ञात किए और बताइए कि कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर होगी और समानुपाती होगी। देखिए पहला पार्ट है ये, दूसरा का 5x - 4y - 8 = 0, 7x - 6y - 9 = 0। बताना कौन प्रतिच्छेद करेगा, या समांतर होगा या समपाती होगा। तो देखिए यह a1 है, b1 c1, a2 b2 c2। a1 बाई a2 निकालेंगे, 5/7 हो जाएगा, 5 और 7। b1 बाई b2 निकालेंगे, -4 होगा और 6 होगा, 2 × 4 = 6, -2/3 हो जाएगा। अब c1 by c2 होगा, 8/-9 होगा, -8/9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं a1 by a2 ≠ b1 by b2, बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, देखिए दोनों बराबर नहीं है, इसलिए दोनों ऊपर समीकरण जो रैखिक रेखाएँ होंगी क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। अद्वितीय कंडीशन प्रतिच्छेद होता है जानते ही हैं। इसका दूसरा पार्ट देखिए, दिया ना 9x + 3y - 12 = 0, 18x - 6y - 24 = 0। क्या करें, इतना बट इतना करें, a1 by a2 तो 9/18 जाएगा, 9 × 18 = 1/2 जाएगा, b1 by b2 3/6 होगा, 1/2 हो जाएगा, c1 by c2 12/24 होगा, 1/2 समान हो गए। देखिए तीनों, इसलिए लिखेंगे a1 by a2 = b1 by b2 = c1 by c2। तो संपाती हो जाएंगे, क्या हो गया, संपाती। ठीक, तो संपाती होगा। अब तीसरा इसका पार्ट देखिए, तीसरा पार्ट है आपका 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y - 9 = 0। यहाँ पर आपका a1 by a2 निकाला, 6/2 हो जाएगा, 3। b1 by b2 निकाला, -3/-1 होगा, क्या पति हो जाएगा। c1 by c2 निकाला, तो 10/-9 होगा, -10/9 हो जाएगा। इसलिए लिखेंगे a1 by a2 बराबर है b1 by b2 ≠ c1 by c2। तो ये रेखाएँ कम होंगी, समांतर हो जाएंगी, हो जाएगा समांतर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 में कह रहा है
अनुपात a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 निकालना है, उसके बाद बताना है कौन संगत है कौन असंगत है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला और देखिए, 3x plus 2i पर तो क्या है आपका 5, 2x minus 3y इज इक्वल टू 7। इसमें जांच करना है कौन संगत होगा कौन असंगत, वही काम करें a1 by a2 का मान निकालना t/2 हो जाएगा, b1 by b2 का मान निकालना ये आपका -2/3 हो जाएगा, c1 by c2 का मान निकालना 5/7 हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं पहला ही कंडीशन आपको फॉलो नहीं कर रहा है, a1 by a2 ये नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो जहाँ ये कंडीशन आता है तो जानते हैं आप ये समीकरण क्या रहेंगे, संगत होगा। ठीक, अगर यही तुलना कर रहा हूँ, अगर यह आ रहा है a1 by a2 = b1 by b2 = c1 by c2 तो ये आपका संगत होगा। लेकिन अगर हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं a1 by a2 = b1 by b2 ≠ c1 by c2 ये आपका असंगत हो जाएगा। ये पाठ जो है आप इसी को ध्यान में रखते हुए, तीनों कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अन्य जो पार्ट्स हैं इसको आप सॉल्व करेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी आपको बताना है संगत असंगत, इसमें भी आपका संगत असंगत है, जो संगत है उसको ग्राफिक्स करना है। सेम आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, आप इसको सॉल्व करेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कोण ए का आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और द परिमाप, और द परिमाप कितना है 36। ठीक है, तो भाग की लंबाई चौड़ाई मिलाई जाती है, देखिएगा ये लंबाई हो गया ये चौड़ाई हो गया। कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ये चौड़ाई मान रहा है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक हो जाए, सॉरी ये लंबाई आपका मान रहा है कितना यक्स, तो ये आपका चौड़ाई चौड़ाई मान रहा है वाई, क्योंकि आप बनाएंगे तो युगपत समीकरण बनाना है, हम बना रहे थे आपका आपका क्वाड्रिफिकेशन। ठीक है ना, तो लंबाई मान लिया चौड़ाई मान लिया वाई, अब कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई जब चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, एक्स माइनस वाई पर कितना हो जाएगा 4, समीकरण 1। कह रहा है इसका अर्ध परिमाप, तो जानते हैं अर्ध परिमाप कितना दिया 36 मीटर। ठीक, तो जानते हैं परिमाप जो होता है, परिमाप होता है तो कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, अर्ध परिमाप हो जाएगा, अर्ध परिमाप बराबर इसका आधा लंबाई धन चौड़ाई, अर्ध परिमाप 36 दिया है, लंबाई x माना है चौड़ाई y, x प्लस y बराबर 36, समीकरण 2। और आप मान गया तो क्या करें, समीकरण 1 धन 2 कर दें, यहाँ बना नहीं दिया किससे करना है, तो धन 2 कर दें तो एक्स माइनस वाई पर टू 4 और एक्स प्लस वाई पर टू क्या 36 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, और 2x एक्स बराबर कितना जाएगा 20। अब आइए 20 हो गया, अब क्या करें समीकरण 1 से निकालेंगे तो एक्स का मान 20 माइनस वाई पर टू 4 तो माइनस वाई पर टू राइट में जाएगा, तो 4 माइनस 20
तो माइनस 16 तो वाई बराबर 16, यानी इसकी लंबाई होगा आपका 20, चौड़ाई होगा आपका 16। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में आपके आएगा, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।